मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान। टॉपिक है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान की मूलभूत विशेषताओं में मौलिक अधिकार एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उद्धृत किए गए हैं और 44 संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करने के बाद वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को भारत का संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको विधिक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाला गया है। अनुच्छेद 14 से 32 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 में मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ सामान्य उपबंध भी किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हो जाने के बाद अब इसे भी मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा सभी प्रकार के स्थानीय तथा अन्य अधिकारी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में हैं और जो भारत सरकार के अधीन हैं, सभी राज्य में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 13 के 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक ओर तो संविधान के प्रारंभ के पूर्व में ही प्रचलित समस्त विधियां कानून जो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल थे उन्हें इस सीमा तक अवैध घोषित कर दिया जाएगा जहां वे मौलिक अधिकारों के साथ मेल नहीं खाते हैं। दूसरी ओर अनुच्छेद द्वारा प्रत्यापूत अधिकारों के विरुद्ध विधि निर्माण भी निषिद्ध किया गया है। इस अनुच्छेद की विशेषता यह है कि इसके द्वारा न्यायपालिका को वैधानिक अधिनियमों पर इस दृष्टि से पुनर्विचार करने का अधिकार दिया गया है कि यदि उक्त अधिनियमों का संविधान के साथ अगर सामंजस्य नहीं है तो न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उन्हें पुनर्परिभाषित कर सकती है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह समस्त सशस्त्र सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा सैनिक कर्तव्यों का भलीभांति परिपालन करने की दृष्टि से भारत के सशस्त्र बल से संबंधित मौलिक अधिकारों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत किसी स्थान पर मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों को सीमित करने के संबंध में भी व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 35 के संबंध ऐसे समस्त कानूनों से है जो मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित से संबंधित रखता है। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों के संबंध में उपबंधों का प्रावधान करते हैं। जो वर्तमान में संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है उसमें प्रमुख रूप से जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये प्रमुख मौलिक अधिकार हैं जिनका अध्ययन हम आगे की क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे। धन्यवाद।